अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक व्हाट्सअप का ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोग व्हाट्सअप के डिलीटेड मैसेज को भी रीड करोगे। तो दोस्तों, इस ट्रिक को जानने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जिसके आप लोग को पता भी होगा कि अगर आप लोगों को कोई भी मैसेज कर देता है और व्हाट्सअप में उसको कोई भी वहाँ से डिलीट कर देगा कि डिलीट फॉर एवरी वन, और आप लोग इसको देख नहीं सकते। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को वो उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने इसका जो कि डिलीट मैसेज को आप लोगों ने किस तरह रीड कर देना है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम कर देना होगा, अगर आपको व्हाट्सअप में कोई मैसेज कर देता है तो आप लोगों ने अगर वो उसको डिलीट कर देता है तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने सिंपल प्ले स्टोर ओपन कर देना होगा। बस प्ले स्टोर मैंने ओपन नहीं किया, बस आप लोगों को मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को एक बेहतरीन एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तीन एप्लीकेशन, इसका नाम है व्हाट्स डिलीट रिकवर डिलीटेड मैसेज, और तीसरा का नाम है उसका नाम है एंटी डिलीट। तो दोस्तों, इन तीनों में से तीनों बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से एप्लीकेशन है। अगर कोई आपको आपके जो मैसेज है उसको डिलीट कर देता है और तो फौरन आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि किसी ने मैसेज डिलीट किया, आप रीड कर दे इस एप्लीकेशन में। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब आप लोगों ने इसको किस तरह इस्तेमाल कर देना होगा, दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस सारे एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा। यहाँ पर मैं इस सबसे पहले एंट्री डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। उस पर जो बेहतरीन है वो ये वाला है एंटी डिलीट, मैं यहाँ से नेवर करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन है स्टेटस सर्वर नॉट रनिंग, इसको आप लोगों ने सिंपल ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद आप लोगों को सेटिंग में जाना होगा, जो सेटिंग में आप लोगों ने ऑन कर देना होगा तो यहाँ पर वो ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या कर देना होगा, बस इस एप्लीकेशन को बैक कर देना होगा। बैक करने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी मैसेज कर देता है तो वो भी यहाँ सेव हो जाएगा। अगर कोई डिलीट भी कर देता है और आप लोग उसको देख नहीं सकते तो आप लोग को फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस शख्स ने, प्ला बंदा ने प्ला मैसेज को डिलीट किया। तो आप लोग को वहाँ मिल जाएगा कि आप लोग इस ऐप को ओपन कर दें और आप लोग उस डिलीट मैसेज को रीड कर दें। तो इस तरह आप लोगों ने जो कि डिलीटेड मैसेज है वो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ये मैंने आप लोग को ये एप्लीकेशन बताया, और ये वाला व्हाट्सअप डिलीट भी बहुत बेहतरीन ऐप है और रिकवर डिलीटेड मैसेज ये बेहतरीन ऐप है, लेकिन मैंने आपको एंटी डिलीट बताया, ये बहुत ही इन तीनों में से ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।